घर में एक छोटा देवर था जो सबका लाडला था। मुझे उससे बहुत लगाव था, वो मुझसे बहुत मजाक करता और मैं भी उसे बच्चा समझकर गले से लगा लेती थी। एक दिन मेरे पति किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे, जहाँ से उन्हें दिन के दिन ही वापस आना था, लेकिन रास्ते में तेज बारिश होने के कारण वो वापस ना आ सके और उन्होंने फोन करके अपने छोटे भाई अंकुश को मेरे कमरे में ही सोने का बोल दिया। फिर जैसे ही हम सोने के लिए लेटे तो अचानक ही, मेरा नाम पूनम है, मेरी शादी को आज दूसरा ही दिन था, हम सब एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे, मेरा देवर अंकुश भी मेरी सास के पास ही बैठा था और मुझे छुप छुप कर देख रहा था। वो मेरे सामने आता हुआ बहुत शर्मा रहा था और कुछ देर बाद मेरे पति आलोक भी कमरे में आ गए। उनके आते ही सब धीरे धीरे उठकर चले गए, क्योंकि टाइम काफी हो चुका था। थोड़ी सी बातें करके हम दोनों भी सो गए। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, मेरा बहुत ख्याल रखते और मेरी ससुराल में भी अभी तक सब अच्छा था। अब शादी को 2-3 महीने हो गए थे, लेकिन अब तो सब और भी प्यार करने लगे थे और मेरा देवर अंकुश भी मुझसे बहुत मजाक करता, पूरा दिन मेरे पीछे पीछे रहता और बहुत बातें करता। मैं भी उसकी बातों पर हंसती रहती और अपना घर का काम भी सारा कर लेती। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था, तो मैं जैसे ही उसके कमरे में गई तो वो घबरा गया और उसने तुरंत टीवी को बंद कर दिया। मुझे थोड़ा शक हुआ और मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्या देख रहे थे जो मुझे देखकर टीवी ही बंद कर दिया। बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही बंद कर दिया, लेकिन मुझे पता लगाना था कि वो क्या देख रहा था और मैं कमरे से बाहर निकलकर उसे छुप छुप कर देखने लगी। उसने सोचा कि भाभी चली गई और टीवी फिर से चला लिया। मैंने देखा तो वो एक डरावनी फिल्म देख रहा था, जो कि इसे मेरी सास और मेरे पति ने देखने से मना की हुई थी, क्योंकि इसे सारी रात डरावने सपने आते और ये घर में किसी को भी सोने नहीं देता था और सारी रात जोर जोर से रोता था। मैं अंदर आई और बोली, आज तुम्हारे भैया से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। उसने सुनते ही रोने वाला चेहरा कर लिया और बोला, आज के बाद नहीं देखूंगा, प्लीज भाभी भाई से मत बताना। मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे अपना ससुराल बिल्कुल अपने घर जैसा लगता था, मैं यहाँ सच में बहुत खुश थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरी जिंदगी में दुखों की आंधी भी आने वाली है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी मेकअप कर रही थी, क्योंकि आलोक के घर आने का वक्त हो रहा था, लेकिन उनसे पहले अंकुश मेरे कमरे में आया और मुझे मेकअप करती हुई को गौर से देखने लगा और उसने एक लिपस्टिक उठा कर दी और बोला, भाभी ये लगा लो, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा क्यों बच्चे को उदास करना और मैंने वही लिपस्टिक लगा ली। वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, भाभी अब तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये कहकर मेरे गले लग गया। उसकी ये हरकत मुझे बहुत अजीब लगी और मैंने उसे पीछे हटा दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। वो समझ गया और बोला, भाभी आप तो गुस्सा हो गई, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, बल्कि मुझे आप उनसे भी ज्यादा प्यारी हो, पर शायद आपको मेरा प्यार करना बुरा लग गया, मुझे माफ कर दो। ये बोलकर वो मेरे कमरे से चला गया। अब मुझे अपनी सोच पर घिन आ रही थी। मैं सोच रही थी कि अंकुश ने तो मुझे बड़ी बहन समझकर गले लगाया था और मैं कितना घटिया सोच रही थी और मैं अपने आप से शर्मिंदा थी। लेकिन फिर मैंने अगले दिन उसके साथ फिर से ऐसा ही व्यवहार कर लिया। वो मेरे गले में हाथ डालकर इधर उधर चलता और न जाने क्यों मेरे दिल से आवाज आती, ये सब शायद गलत हो रहा है, लेकिन दिमाग कहता ऐसा नहीं है, वो छोटा बच्चा है और मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। हालांकि अंकुश इतना छोटा भी नहीं था, हाइट में तो वो मुझसे लंबा ही था, लेकिन उसकी उम्र अभी 15 साल थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, अंकुश स्कूल से आया और वो मुझे ढूंढता हुआ किचन में ही आ गया। मैंने उसको आते ही बोला कि जाओ ड्रेस जाकर बदलो, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूंगी। वो मेरे गले लगा, लेकिन मुझे बहुत पसीना आ रहा था तो मैंने उसे पीछे हटा दिया और वो मेरे करीब आकर अपने हाथों से मेरे चेहरे का पसीना साफ करते हुए बोला, भाभी इतना सारा काम क्यों करती हो, थोड़ा काम बहन से भी करा लिया करो, वो भी तो सारा दिन टीवी ही देखती रहती है। तो मैंने उसे हंसकर बोला कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सारा काम तुम्हारी पत्नी से कराऊंगी। वो बोला, भाभी मेरी पत्नी आप अपने जैसी ही लाना, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज मुझे उसकी नजरों में थोड़ा खोट दिखाई दिया। मैं किसी से बुरा बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मैं उसे डांट देती तो वो मेरी सास और ननंद को ये बात बताता और वो मुझसे गुस्सा हो जाती। इसलिए मैंने सोचा कि रात में आलोक से बात करूंगी, उनको प्यार से सारी बात बताऊंगी, क्योंकि आज कल बहू के व्यवहार का सब बुरा मानते हैं, लेकिन उससे कभी कोई ये नहीं पूछता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सब यही सोचते हैं कि ये सब वो अलग रहने के लिए कर रही है। खैर, रात में आलोक आए और मैंने सारी बात उनको बताई, लेकिन आलोक मेरी बात सुनकर हंसने लगे।
और बोले, छोटा बच्चा है, तुम्हें मम्मी की तरह प्यार करता है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, इतना मत सोचो, सो जाओ। अगले दिन मैंने अंकुश के स्कूल जाने के बाद ये बात अपनी सास को भी बताई, लेकिन वो भी हंसने लगी और बोली, तुमने तो हमें भी अपना दीवाना बना लिया है, तुम्हारे सारे काम ही इतने अच्छे हैं, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी ऐसी आए। मैं चुप रह गई। फिर मैंने अपने आप ही अंकुश से बोलना कम कर दिया और उसके रूम में भी जाना बंद कर दिया। 2-3 दिन बाद उसको इस बात का एहसास हुआ और वो मुझसे बोला, क्या हुआ भाभी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आजकल आप मुझसे बातें भी नहीं करती। मैंने हंसते हुए बोला, नहीं, बस घर के कामों में ज्यादा बिजी रहती हूँ, इसलिए वक्त नहीं मिल पाता। वो मेरी बात भी सुन रहा था और मुझे बहुत गौर से भी देख रहा था और फिर मुस्कुराते हुए बोला, आपके चेहरे पर ये जो तिल है मुझे बहुत प्यारा लगता है, मन करता है कि बस देखता ही रहूं। मैंने उसे आराम से बोला कि मुझे इतनी गौर से मत देखा करो और बहन से ऐसी बात नहीं किया करते, बुरी बात है। वो चुप हो गया और वहां से बिना कुछ बोले चला गया। मैं भी घर के काम में लग गई। खैर, दिन कुछ अच्छे गुजरे और एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। आलोक मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और बाकी सब घरवाले भी बहुत खुश थे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे आराम करने और लंबा सफर करने को मना किया था। खैर, कुछ दिन बाद हम सबको शादी में जाना था। मैंने आलोक को बोला कि तुम सब चले जाओ और मुझे मेरी मम्मी के यहाँ छोड़ आओ, लेकिन वो बोलने लगे, नहीं, अंकुश भी नहीं जा रहा क्योंकि उसके टेस्ट है जो बहुत जरूरी है, तुम दोनों घर रहना और तुम घर का काम मत करना क्योंकि रात तक तो हम आ ही जाएंगे। और वो चले गए, लेकिन शाम होते ही बारिश और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई और रात में आलोक का फोन आया और बोले कि हम सुबह तक ही आ पाएंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज है और बिजली भी बहुत ज्यादा चमचमा रही है, ऐसे में अंकुश को बहुत डर लगता है, तो उसे अपने पास ही सुला लेना। मैंने इस बात के लिए आलोक को साफ मना कर दिया और बोला, वो बड़ा हो चुका है, अभी भी डरता है, उसे कोई डर नहीं लगता, मैं उसे अपने रूम में नहीं सुलाने वाली। आलोक बोले, क्या तुम बड़ा बड़ा लगाए रखती हो, मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो, जैसा कहता हूँ कर लेना। और उन्होंने ये बोलकर फोन रख दिया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपने कमरे की कुंडी लगाकर लेट गई। कुछ देर बाद बहुत जोर से बिजली कड़की, ऐसा लगा कि कहीं आसपास ही गिरी हो, और लाइट भी भाग गई और मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने बहुत जोर जोर से खटखटाया। मैं समझी अंकुश ही होगा और वो डर गया होगा। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते ही अंकुश मुझसे लिपट गया और बोला, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे और जोर से पकड़ लिया। मैंने उसे कुछ देर गले लगाए रखा और बोलती रही, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी उंगलियां मेरी कमर पर चलाने लगा। जब मैंने ये महसूस किया तो मैंने एक झटके से उसे दूर कर दिया। इतने में लाइट भी आ गई और बिजली भी कड़कना बंद हो गई। मैंने उसे बोला, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, अब तूफान भी रुक गया है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, भाभी अभी मेरे अंदर का तूफान नहीं रुका, एक बार वो रुक जाए तब चला जाऊंगा। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हारी माँ के समान हूँ। वो बोला, मेरी बहन और मम्मी तो शादी में गए हुए हैं, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर या उसे देखकर वो मुझे कहीं से भी 15 या 16 साल का नहीं लग रहा था। मैं उसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और अपनी सारी हवस मुझ पर निकाल ली और फिर अपने कमरे में चला गया। मैं सारी रात रोती रही और आलोक के आने का इंतजार करती रही, लेकिन अब मन करता कि किचन से चाकू लेकर उसे जान से मार दूं। खैर, सुबह हुई, आलोक आ गए। मैं आलोक के गले लगकर बहुत रोई और उसे रूम में ले जाकर सारी बात बताई। वो मुझ पर ही भड़क उठे और बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती छोटे से बच्चे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी एक न मानी और यहाँ तक कि मुझे मारने पर उतारू हो गया। मैंने हिम्मत की, अपना एक बैग लिया और अपने मायके आ गई और अपनी मम्मी को सारी बात बताई। मेरी मम्मी बोली, तुमने उसे शुरू में ही क्यों नहीं डांटा? जो बात तुम मुझे आज बता रही हो, काश उस दिन बताई होती तो मैं तुम्हें सिखाती कि उसे कैसे हैंडल करना है। खैर, कुछ दिन बाद मैंने एक लड़के को जन्म दिया और एक दिन मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने हेलो किया तो सामने से कोई लड़का बोला। मैंने उसकी आवाज पहचान ली, वो अंकुश ही था और अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। वो बोलने लगा, भाभी प्लीज घर वापस आ जाओ, मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं बहक गया था, मेरे दोस्तों और गंदी फिल्मों की वजह से मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने उसे बोला कि तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है जो माफ की जा सके।
तुमने मेरी इज्जत पर दाग लगाया है और मेरा घर बर्बाद किया है। तुम माफी के काबिल बिल्कुल नहीं हो। और मैंने इतना कहकर फोन रख दिया और उसकी रिकॉर्डिंग आलोक को भेज दी और बोली कि देखो, जिसे तुम मासूम छोटा बच्चा समझते हो ना, वो कितना बड़ा राक्षस है। आलोक ये रिकॉर्डिंग सुनकर दंग रह गया और पूरी सच्चाई जानकर अपने भाई को पुलिस के हवाले कर दिया। जब अंकुश से जेल चला गया तो मेरी सास और आलोक मुझे लेने मेरे घर आए। आलोक ने हाथ जोड़कर और रोते हुए मुझसे माफी मांगी। मैंने भी इंसानियत के नाते उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कोई भी भाई अपने भाई बहन पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तक वो हकीकत को ना जान ले। और हुआ भी यही था। जब आलोक को सच्चाई का पता लगा तो उन्होंने अपने भाई का साथ ना देकर उसे सजा दिलाना सही समझा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उनके साफ को देखकर मैं खुशी खुशी अपने ससुराल आ गई और मेरा घर काफी हद तक बच गया। जिसका मुझे डर था वो अब जेल की सलाखों के पीछे है। उम्मीद करती हूँ कि वो वहाँ से सुधर कर बाहर निकले। लेकिन मेरी सभी माँ बाप से विनती है कि अपने बच्चों का ध्यान रखे, उन्हें बुरे लोगों की संगत से बचाएं, ताकि किसी लड़की को मेरी तरह इस तरह के हालातों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।